तरीके से एक दुकान पर जो चोरी हुई थी तो पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा है, क्या पूरा मामला? हाँ, ये पिछले कल सुबह कोई 10:30 बजे हमें मानस गुप्ता हैं लोअर बाजार में, इनकी मोबाइल की शॉप है, तो हमें सूचना मिली इनकी तरफ से। जब ये सुबह अपने शॉप पे गए तो देखा कि इनका जो है जो शॉप का जो शटर है उसके ताले टूटे हुए थे। जब इनको इन्होंने अंदर चेक किया तो इनके मोबाइल जो है वहाँ से चोरी होने पाए, जिस पर इन्होंने थाना पर रिपोर्ट करी। थाना सदर में हमने इनके FIR लिखी और FIR लिख करके हमने उसमें अन्वेषण शुरू किया, जिसमें हमने थाना सदर से हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स उसमें एकदम से उस पर कार्य पर लगा दिए, और हमने जो है इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए हमने अपने टेक्निकल सेल, साइबर सेल की मदद से और हमारे DCRB के लड़के हैं उनकी मदद से, और हम सभी जो है पूरे टीम ने जो है ये कार्य करते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए हमने 24 घंटे से पहले ही आज सुबह जो है आरोपी को जो है इस चोरी में जो संलिप्त आरोपी है उसको हमने गिरफ्तार कर लिया है, और हमने जो मोबाइल चोरी हुए हैं सभी मोबाइल हमने रिकवर कर लिया है इसमें। और इसमें हमने अभी तक जो है 8 मोबाइल, जिसमें से 5 iPhones हैं और 3 Android phones हैं, जिनकी कीमत करीब 2.5 लाख रुपये है, तो ये हमने इस तरह से ये रिकवर कर लिया है। और इसमें हमें काफ़ी मशक्कत करनी पड़े, हमारे IOs ने जो है दिन रात इसमें मेहनत करी है, हम लोग भी इसमें जुटे रहे हमारे SP साहब के निर्देशन में, SP साहब ने भी कभी पूरा इसमें मार्गदर्शन रहा, और हम लोगों ने SHO और सभी जो है हमारे IOs जो है पूरे दिन और रात इसमें जो है हमने मेहनत करी है। और इस तरह से क्योंकि ये आरोपी चोरी करके जो है ये मोबाइल सहित यहाँ से भाग गया था, और ये मंडी के कसोक क्षेत्र में जो है दूरदराज के क्षेत्र में कहीं गया हुआ था, तो हमने इसको पूरी रात जो है इसको सर्च करके वहाँ से इसको गिरफ्तार करके इसको लाए हैं, और तो इसको जो है आइंदा कल जो है इसको न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। सर, इससे पहले भी इसका इस तरह का रिकॉर्ड है, कोई ट्रैक रिकॉर्ड है कि किसी चोरी या अन्य घटना में शामिल? हाँ, इसमें अभी तक हम लोग इसका रिकॉर्ड जो है खंगाल रहे हैं, पिछला रिकॉर्ड देख रहे हैं, इसके जो सकुनती थाना है वहाँ से भी पता कर रहे हैं, और अभी इससे पूछताछ भी जारी है। अभी क्योंकि हम लोग प्रारंभिक स्तर पे अभी इसका अन्वेषण हो रहा है, तो ये आगे जो है सारी बातें खुलकर आएंगी और आपको इसके बारे में ये सारी बातें बताई जाएगी। क्या अकेले ही थे सर कि किसी और की मदद भी थी इसमें? अभी जो है फिलहाल तो जो है अभी तक ये अकेले ही हैं, लेकिन अभी देखेंगे कि इसमें अभी क्योंकि जैसा मैंने कहा ये प्रारंभिक स्तर पे है, तो जैसे जैसे अन्वेषण होगा तो उसमें और लोगों की भी अगर संलिप्तता होगी तो उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। सर, आपने बहुत कम समय में चोर को पकड़ लिया, इसके लिए एक तरह से हम कह सकते हैं कि बहुत अच्छा कार्य किया है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का आरोप है कि उपायुक्त कार्यालय के सामने और बीच मार्केट में ऐसी जगह पर चोरी होना फेलियर जो है माना जा रहा है, लोगों ने ऐसे आरोप लगाए हैं, किस तरह से आप देखते हैं कि हाँ, ऐसी चीज़ें? ये आप इसको इस रूप में भी देख सकते हैं कि हमारे लिए बहुत बड़ा एक चुनौती थी, और इसे इस बात को आपको समझना चाहिए कि हमने 24 घंटे के पूर्व, हमने आज सुबह जो है देखिए आप कल दिन को कल जो है 10:30 बजे रिपोर्ट हुई थी, और हम आज सुबह हमने 6 बजे जो है आरोपी को पकड़ा है, तो यू मस्ट अप्रिशिएट दिस थिंग, ठीक है ना। और इस आप इस पहलू को भी देखें, जहां तक जो है ये फेल्योर की बात है, चोरियां जो है हम ये नहीं बोलते, हमारा जो गश्त है, हमने CCTV हमने चेक किए, हमारी चेकिंग रोज चेकिंग होती है, हमारी गश्त जो है जब ये एक्यूज वहां से जा रहा था तो हमारी जो पेट्रोल पार्टी है वो रात को बिल्कुल पूरे रात मैंने खुद देखा है, हमारी चेकिंग भी होती है, जियोज भी चेकिंग करते हैं, और जो ये हमारे बीट है, जो बीट पे जो कांस्टेबल्स हैं, होमगार्ड्स हैं, वो बिल्कुल उपस्थित थे वहाँ पे। लेकिन कई बार जो है चूक हो जाती है, अब हम लोग जो है पुलिस हर जगह उपस्थित नहीं हो सकती है, ठीक है, हम लोग CCTVs लगे हैं, और जहाँ पे हमारे लोग सभी प्रयास करते हैं कि जो है पूरी तरह पूरी रात जो है रात जा करके जो है पूरी मुस्तैदी से जो है अपने कार्य में लगे रहते हैं, फिर भी जो है कई बार कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे पुलिस का पहुँचना संभव नहीं होता और कुछ घटना हो जाती है, लेकिन जब घटना हो जाती है उसके बाद चैलेंज होता है पुलिस के ऊपर, तो हमने उस चैलेंज को मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं जो है उसमें हमने मेहनत करी और परिणाम आपके सम्मुख है। सर, आम लोगों को भी जो है किस प्रकार की आप जो है यहाँ से नसीहत देते हैं ताकि जो है कभी ऐसी वारदात है ना हो, और पुलिस प्रशासन जो है किस प्रकार का कदम उठा है ऐसी वारदात को? हाँ, ये आपका काफ़ी अच्छा प्रश्न है, तो हम इसमें ये कहना चाहेंगे स्थानीय लोगों से भी, सभी दूसरे व्यापारी वर्ग से भी ये कहेंगे कि सर्वप्रथम तो आप लोग जो है, क्योंकि जैसे आपके कोई भी कीमती सामान, आपके जैसे कोई ज्वेलर्स हैं, मोबाइल शॉपकीपर्स हैं, वो अपने जो है पुख्ता व्यवस्था करें अपनी सुरक्षा के, जो है सबसे पहले आपको स्वयं जो है अपनी सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करनी होगी, आपने लॉक जो है प्रॉपर लगाएं,
शटर्स में जो है वो आपने देखे होंगे वो 300-400 के आजकल जो है लोगों ने 200 रुपए का आपने लाखों रुपए का सामान रखा हुआ है और ताले रखा रखे हैं आपने 100-200 रुपए के, तो ऐसा तो नहीं चलेगा। तो इसके बारे में हम लोगों को सेंसिटाइज भी करते हैं, बताते भी रहते हैं। तो हम आपके माध्यम से भी ये कहना चाहेंगे कि आप लोग जो है जितने भी व्यवसायी या दूसरे लोग अन्य लोग भी जो है अपना जो सुरक्षा स्वयं देखें, क्योंकि पुलिस हर जगह नहीं उपलब्ध हो सकती। तो उसमें ताले प्रॉपर लगाएं, ग्रिल लगाएं और अलार्म सिस्टम लगाएं, वहाँ पे सीसीटीवी लगाएं। सीसीटीवी जो है बहुत प्रभावी सिद्ध हो सकता है। और अगर आपके इलाके में कहीं ऐसा एरिया है जहाँ पे अगर आप इंडिविजुअली नहीं लगा सकते तो कहीं ऐसे क्षेत्र में आप लोग मिल करके भी जो है वहाँ पे सीसीटीवीज लगा सकते हैं। सीसीटीवीज से हमें जो है बड़ी इमदाद मिलती है केसेस को सॉल्व करने में। तो हम लोगों से ये अनुरोध करेंगे कि वो सीसीटीवीज लगाएं और कुछ जो एहतियात है पुलिस जो है आपको समय समय पर जो है बताती रहती है उनका पालन करें, थोड़ा सा जो है प्रिकॉशन बरतें। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, जैसे आजकल विंटर्स में जो है लोग अक्सर जो है हमारे पहाड़ों में लोग अपने बच्चे जब छुट्टियां हो जाती है, वैकेशंस पड़ती हैं, तो वो घर चले जाते हैं, तो वो अपना कीमती सामान घर पर छोड़ के जाते हैं। तो अपना कीमती सामान जो है घर पर ना रखें, आपके जो वैल्यूएबल्स हैं उसको लॉकर्स में रखें या फिर जो है अपने साथ ले जाएँ और थोड़ा सुरक्षित बता के जाएँ, अपने पड़ोसियों को बता के जाएँ, पुलिस को सूचित करके जाएँ, ताकि हम लोग जो है उस क्षेत्र में पेट्रोलिंग गश्त बढ़ा सकें और जो भी उपाय करने हैं वो कर सकें।